हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं नहाकर पूजा करके मैं छत पे कपड़े सुखाने आई हूँ। और ये देखिए 8 बजे कितना कड़ा धूप आज निकला है। मौसम आज अच्छा था, रात को तो पानी बरसा था, वो छत पे आप लोगों ने देख ही लिया है कि छत अभी भी गीला है। और मैं ये गद्दे लगाकर गेहूं डाल रही हूँ उस पर ताकि गेहूं सूख जाए। 3 दिन पहले मैंने गेहूं को धुला था पर वो अभी तक नहीं सूखा था, पर आज लग रहा है सूख जाएगा क्योंकि आज धूप बहुत अच्छा हुआ है। पर अभी जो छत है वो सूखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं गद्दे के ऊपर इसे डाल रही हूँ। बिल्कुल पतला डालूँगी ताकि जो गेहूँ है वो जल्दी से सूख जाए और फिर मैं उसे पीसने के लिए भेज दूँ। और अभी मैं गेहूँ फैलाने के बाद जो केक को मैंने बेक करके फ्रिज में रखा था उसे डेकोरेट करूँगी। बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि केक वैसे रखा हुआ है, तो मैं पहले केक को डेकोरेट कर लूँगी, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। नाश्ता तो मैंने बना दिया है, बच्चों को भी करा दिया है और अब मैं जाती हूँ केक को डेकोरेट करने के लिए। जो बाउल थी जिसमें मैं क्रीम को व्हिप्ड करूँगी उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए ये जम गया है, नीचे पानी है और ऊपर ये कटोरा है इस तरीके से। और मैंने इस ब्लेंडर को भी रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। मैं हैंड से ही करूँगी, मेरे पास इलेक्ट्रिकल वाला नहीं है तो मैं हैंड से ही करूँगी इसको। और जितने भी चॉकलेट्स थे वो सारे चॉकलेट्स भी मैंने इसमें रख दिए थे, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अमूल का क्रीम है, फ्रेश क्रीम। और अब हम चलते हैं आइसिंग बनाने। मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है और इसे मैं ओपन कर ले रही हूँ, मैं इसको ढक्कन से ओपन नहीं करूँगी। फ्रेंड्स किस तरीके से जम गया ये देखिए, मैंने ढक्कन को नहीं खोला है, मैं यहाँ से इसे लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक क्रीम मिलेगा वहाँ तक हम ले लेंगे और बाकी जहाँ से मुझे पानी के जैसा ये दिखेगा वहाँ से मैं इसे नहीं लूँगी, सिर्फ मैं क्रीम ही लूँगी इसका। अब बाकी मैं फिर रख दूँगी इसे ठंडा होने के लिए। जितने क्रीम जम गए हैं उसे मैं निकाल लेती हूँ और जो पानी है उसे छोड़ दूँगी। इसके अंदर आपको दिख रहा है ये देखिए पूरा लिक्विड है ये, इसलिए मैं इसे नहीं लूँगी, इसे मैं फिर से फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी मैं इसका आइसिंग का रूप बनाऊँगी केक को सजाने के लिए। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, पर हाँ हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ जाता है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ फ्रेंड हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना भूल गई, इस स्टेज पर मैंने इसमें आइसिंग शुगर 2 चम्मच ऐड कर दिया, ये देखिए इस स्टेज पर। और इसे मैं और भी विस्क कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हो गई है, ये देखिए मुझे बस और थोड़ा सा इसे और फेंटना है। ये देखिए मैं बस इसे थोड़ा सा और फेंटूँगी। मैंने बर्फ भी बाद में ऐड किया क्योंकि पिघल गया था, ये देखिए मैंने इसमें कितने ढेर सारे आइस ऐड किए हैं, उसके बाद मैं इसे फेंट रही हूँ क्योंकि जो मैं बर्तन में रखी थी वो सारे पिघल गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो क्रीम है वो तैयार, ये देखिए देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो स्पून में लगी है वो बिल्कुल गिर नहीं रही है। अब मैं इससे केक को डेकोरेट करूँगी। अब मैं जा रही हूँ शुगर सिरप बनाने, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा कम कर देती हूँ पानी को। ये देखिए इतना पानी लिया है मैंने और इसमें मैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए 2 चम्मच मैंने चीनी को ऐड कर लिया है क्योंकि केक भी मीठा है
और जो क्रीम मैंने बनाई है उसमें मैंने शुगर ऐड किया है, तो मैंने इसमें 2 ही चम्मच लिया, इसलिए अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स किचन में अंधेरा है, थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करवा लूँगी कि किचन में रोशनी प्रॉपर मिले मुझे वीडियो बनाते वक्त। ये देखिए फ्रेंड्स, किसी भी चीनी होती है तो जल्दी घुल जाती है, अगर हम खड़ी चीनी लेते हैं तो वो घुलने में थोड़ा टाइम लगेगी। और ये देखिए मिक्स हो गई है, जो शुगर है वो वाटर में मिक्स हो गई है। अब मैं केक की आइसिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा केक बना है जालीदार, और पीछे से देखिए बिल्कुल ब्राउन है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मखमली बिल्कुल एकदम बेलबट्टी टाइप का इसका जो है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। और अब मैं शुगर सिरप को पोर कर दूंगी इस पर, पूरे केक पर मैं अच्छी तरीके से इस शुगर सिरप को पोर कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर जो है ये क्रीम, मैं क्रीम का लेयर एक लगाऊंगी इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, छवि बहुत खुश हो रही है, हंस रही है देख के। देखिए अब मैं जो दूसरा वाला केक का पीस है मैं इसके ऊपर ये रख दूंगी, थोड़ा मोटा कर देती हूँ इसकी जो क्रीम है, और इसी में कुछ इस तरीके से रख दूंगी। मुझे इस क्रीम को बनाने के लिए फ्रेंड्स 1/2 घंटा लगा था, मैंने 1/2 घंटा इसे फेटा, तो ये क्रीम जो है वो तैयार हो गई। अभी इसे फ्रिज में रख दूंगी, इसकी आइसिंग मतलब पूरा ये जो मैं क्रीम को जब इस पर लगा लूँगी तो इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। फ्रेंड्स अब मैं इस क्रीम से पूरे ब्रेड को कवर कर दूंगी, केक को चारों तरफ से मैं अच्छी तरीके से इस क्रीम को लगा दूंगी ताकि कहीं से भी जो ब्रेड है यानी कि जो केक है वो दिखे ना। अब क्रीम पूरे केक पे अच्छी तरीके से लग गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पलटा होता है जिससे हम सब्जी वगैरह चलाते हैं, खाना बनाने में बहुत हेल्प करता है, उसकी सहायता से मैं इस केक को बिल्कुल प्लेन कर दूंगी, चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसे मैं बराबर कर लूंगी इस पलटे की हेल्प से। मैंने किचन की टूल से ही इस केक को स्मूथ किया है और इसे डेकोरेट भी करूंगी। घर में कोई भी चीज़ फालतू नहीं होता है फ्रेंड्स, उसकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसान तरीके से मैंने इस पलटे से केक को स्मूथ कर लिया है, और अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी चॉकलेट से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चॉकलेट जो है चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है, मैं उसी को ही फ्रिज में रख के उसके बाद मैंने इसे ग्रेट कर लिया था। ये देखिए अब मैं उसी को ऊपर से लगा दूंगी कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स केक बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल बाजार के जैसा लग रहा था, ये बच्चों ने तो खूब खाया। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने दूध का पैकेट, हम लोग दूध का पैकेट जो लेते हैं, मैं उसी में क्रीम को भर के इसे डेकोरेट करूँगी इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया है, मैं इस तरीके से ग्लास में इसे रख दूंगी और अब मैं इसमें क्रीम डाल दूंगी। मैं जो ये दूध का पैकेट है इसकी सहायता से केक को डेकोरेट करूंगी। रुपेश और छवि को बहुत मज़ा आ रहा था कि मम्मी आज केक डेकोरेट कर रही है। फ्रेंड्स मैंने इस तरह से केक को डेकोरेट पहली बार किया था। मैंने इस कोन को कट किया और पूरे केक के ऊपर मैंने एक ड्रॉप पूरे केक के ऊपर फैला दी कुछ इस तरीके से, और एक बॉर्डर बना दिया। चॉकलेट जैम को मैंने ये जो एक ड्रॉप क्रीम का रखा है उसके ऊपर मैं एक चॉकलेट जैम भी लगा दूँगी। ये रंग बिरंगा दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं रंग बिरंगा कुछ भी उन्हें अगर रंग बिरंगा इस तरीके से देंगे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं।
केक को डेकोरेट करने के बाद मैं इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, केक बनके रेडी हो गया है। और ये देखिए, मैंने केक फर्स्ट टाइम बनाया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि केक कैसा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा केक कैसा बना है। और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 1-2 घंटे के लिए, फिर इसे हम कट करके खाएंगे।